तो मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देना चाहूंगा, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ये नहीं आता अगर तो आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, या मैथमेटिक्स का तो नहीं निकल सकता पेपर, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपको बहुत सारी चीजें रिलेट करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट आता है तो आपको फिर 3D ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं आता है तो 3D ज्योमेट्री में भी बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली वी हैव मेनी 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 सबसेक्शंस। सबसे पहला होता है अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, दूसरा होता है सर्कल्स। ठीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इसमें ज्यादा लगेगी। तीसरा होता है इसमें कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर तीन आते हैं ना, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सो पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला। तो ये तीनों, अब ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री निकाल के आपको बता दूंगा तो हर साल लगभग लगभग इन तीनों चैप्टर से एक 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 क्वेश्चन तो आते हैं। मतलब कितने, तीन क्वेश्चन हो गया, पैराबोला का एक आ जाएगा, एलिप्स का एक आ जाएगा, हाइपरबोला का एक आ जाएगा। उसको है ना मिला के कहीं पे भी, जैसे डिफरेंशिएशन में दे दिया, इंटीग्रेशन में दे दिया, मिक्स करके दे देता है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल से एटलीस्ट वन वन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन हो गए। और पांच क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मिनिमम आएंगे, लगभग कभी कभार क्या हो जाता है ना कि 6 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, है ना। कुछ कुछ जगह आपको यही क्वेश्चन मिला के इंटीग्रेशन में डाल देगा, यही चैप्टर मिला के डिफरेंशिएशन में डाल देगा, इसी चैप्टर को वो लिमिट्स में डाल देगा। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर जो है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे जो है बहुत चिल्ला चिल्ला के कह खेल रहे, 2 मिनट रुको, है ना, खिड़की लगाने तो बड़े हरामी बच्चे हो गए आजकल। So, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो अपना अभी यही चैप्टर चलेगा लगभग हाफ अ मंथ और मे बी मोर देन दैट। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले अपने को बेसिक, है ना, सम बेसिक्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ना है, जो अपन ने बहुत पहले पढ़ा भी है बट अपने को पढ़ना जरूरी है, सम बेसिक्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन मतलब क्या होता है, कोई भी n साइडेड फिगर, n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब 2 साइडेड फिगर तो भाई अपना क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ये कोई फिगर थोड़ी ना हुआ। लेकिन 3 साइड आती है अगर तो वो ट्रायंगल हो जाता है, 4 साइड में वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, 5 साइड में वो पेंटागन हो जाता है, लाइक दैट। अच्छा, तो पॉलीगन्स में भी दो तरह के पॉलीगन होते हैं, एक होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो लिखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको पीछे बच्चे गाना क्या गा रहे हैं, कोका कोला तू। मतलब इस उम्र में तो मैं क्रिकेट खेलने लगा था, वो भी बड़े 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 जो भैया रहते थे ना उन लोगों के साथ। चलिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ पहले तो अपन देखेंगे एन साइडेड फिगर जो होता है वो पॉलीगन होता है। पॉलीगन में भी एक कॉनकेव हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी पॉलीगन में अगर इंटरनल एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया तो वो कॉनकेव कहलाएगा, है ना। जैसे अंग्रेजी में लिख देंगे अपन, है ना, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। ये अपने पास एक पॉलीगन है मान लीजिए, ठीक है, ये कितने साइड हो गए, 1 2 3 4 5, दिस इज अ पेंटागन मे बी, है ना, मतलब डेफिनेटली ये पेंटागन, बट नॉट अ रेगुलर पेंटागन, नॉट अ कॉन्वेक्स पेंटागन, इट्स अ कॉनकेव पेंटागन। ठीक है, ये कॉनकेव पेंटागन है। अच्छा, कैसे पता चला सर कॉनकेव है, ये एंगल तो चलो अपने को दिख रहा है कि 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, वेट अ मिनट, ये 180 से बड़ा है। अब अगर ये 180 से बड़ा हो गया तो इसको अपन क्या कह देंगे, कॉनकेव कह देंगे, चलेगा। अच्छा, और एक और आसान डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये पेंटागन है और ये एक और पेंटागन मैं बना देता हूँ ना, थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ ना कि वो रेगुलर ना दिखे, इररेगुलर दिखे, बट हाँ 5-sided figure है, 5-sided figure है। तो दिस इज अ पेंटागन, राइट।
नाउ इस पेंटागन में मैं एक और तरीका बता सकता हूँ कॉनकेव या कॉन्वेक्स पता करने का। आप क्या करो, कोई भी दो वर्टेक्स को पकड़ो, कोई भी दो वर्टेक्स को, और इस तरह से पकड़ो जैसे ये है ना, इस पे कोई भी दो वर्टेक्स को, आप ये वाला वर्टेक्स ले लो और ये वाला वर्टेक्स, ज्वाइन करो उन दोनों को। सॉरी, आपने उन दोनों को अगर ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद, ये प्यार से ज्वाइन करना पड़ता है, ज्वाइन करा तो उसके बाद जो जितने भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स 1, 2, 3, सारे वर्टेक्स उस लाइन के एक तरफ होनी चाहिए। अगर एक तरफ हो गए तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको कॉन्वेक्स कह दोगे, है ना, कॉन्वेक्स कह दोगे। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्ज करने लायक, जैसा आप उसको मान सकते हैं, एक ही तरफ कन्वर्ज हो गए है ना सारे पॉइंट्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आप इसमें कोई भी दो ऐसा वर्टेक्स ढूंढ सकते हो जिनको ज्वाइन किया, जैसे इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया मान लो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक वर्टेक्स इधर है और कुछ वर्टेक्स, दो वर्टेक्स इधर है, तो आगे पीछे आ गए, तो ऐसा होता है, तो वो कॉनकेव कहलाता है। तो दो तरीके बता दिए मैंने। अब ये सर क्यों सिखा रहे हो आप लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव, क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए, है ना, और पता भी होना चाहिए आपको ना, क्योंकि अपन सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में अभी पढ़ने वाले, है ना। तो दो तरीके बताए मैंने कि अगर एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो कॉनकेव, कॉनकेव में ऐसा केव बनता है, एक गुफा दिख रही है आपको, थोड़ा इमेजिनेशन तेज करोगे तो ये जो है ना, दिस इज अ गुफा, तो कॉनकेव टाइप दिखता है उसमें, कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि सारे पॉइंट्स एक तरफ आ जाते हैं या सारे इंटरनल एंगल 180 से छोटे होंगे, सारे इंटरनल एंगल 180 से छोटे होंगे। तो दो तरीके से आप पता कर सकते हो, पहला एंगल से, दूसरा ऐसे इमेजिनरी लाइन को खींच के। कर लेंगे अपन, चलिए। तो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखिएगा इसका, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन हैज एन इंटीरियर एंगल, हैज एन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इन अदर वर्ड्स, चलो बस खत्म है ना, डेफिनेशन खत्म होगी, काय को ज्यादा अंग्रेजी लिखना। अमन मुझे पता था आप एक डाउट पूछोगे कि अगर आपने ये दोनों वर्टेक्स को पकड़ा, एडजेसेंट वर्टेक्स को पकड़ना है, कोई भी रैंडमली दो वर्टेक्स को नहीं पकड़ना है, एडजेसेंट वर्टेक्स को पकड़ना है ना। ऐसा मत कर देना कि ये वाला पकड़ लिया आपने और ये वाला पकड़ लिया और ज्वाइन कर दिया, एक वर्टेक्स इस तरफ एक वर्टेक्स, नहीं यार ऐसा नहीं है ना, एडजेसेंट वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। और ऑन जॉइनिंग, टू वर्टाइसेस, टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन, इफ ऑल द रिमेनिंग वर्टाइसेस, if all the remaining vertices are on the same side of the imaginary, सोचने तो यार एक मिनट, इतना ज्यादा अंग्रेजी आखिरी बार कब लिखा था, ऑन द सेम साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन देन फॉर्म ऑफ द इमेजिनरी लाइन देन फॉर्म द पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ज्वाइन करने पर, दो एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पर हमेशा ऐसा हो रहा है कि कुछ वर्टेक्स इस तरफ है, नहीं सारे वर्टेक्स इस तरफ है, तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, है ना। और ये मैंने कॉनकेव की डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको, इंटीरियर एंगल आर ग्रेटर देन 180 डिग्री,
और इसको कॉमा करके आप लिख लो फॉर कॉन्वेक्स इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, चलो ये तो खैर ज्यादा अंग्रेजी हो गई, आप लिख लो पहले फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे सुनो मेरी बात, अब है ना, अब आपके मन में फालतू फालतू डाउट आएंगे कि सर अगर हमने ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो ये तीनों वर्टेक्स एक तरफ आ गए, तो कॉन्वेक्स होना चाहिए था। भाई मैंने बोला ऑलवेज इफ ऑल द रिमेनिंग वर्टाइसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द इमेज आर ऑलवेज ऑन द सेम साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन देन फॉर्म्ड। तो आप इसको ज्वाइन करो, एक तरफ है, बहुत बढ़िया। अगले को ज्वाइन करो, अभी भी सारे वर्टेक्स एक तरफ है, फिर इसको ज्वाइन करो, अब गड़बड़ हो गया ना, अब एक एक तरफ है, एक एक तरफ है, कुछ एक तरफ है, कुछ एक तरफ है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, कॉनकेव हो जाएगा, सभी एक तरफ आ रहे, कन्वर्ज हो रहे तो कॉन्वेक्स, सभी एक तरफ कन्वर्ज हो रहे तो कॉन्वेक्स। यार देख लो आप, है ना, ज्यादा अपने को इससे सवाल पूछे नहीं जाते और मैंने आपको समझा दिया। पॉलीगन में सबसे बेसिक पॉलीगन जो होता है दैट इज अ ट्रायंगल, बट अपने को उस बारे में पढ़ना नहीं है। दोनों डेफिनेशन के बीच में और इसलिए है कि अगर आपको इंटीरियर एंगल से देखना है तो आप इंटीरियर एंगल से देख लो, अगर आपको दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके देखना है ना, एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके देखना है तो आप इससे देख लो, कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन वन बोल देते हैं, इसको अपन डेफिनेशन टू बोल देते हैं, क्लियर। चलिए, सबसे बेसिक पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है अपने को खास, क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, बट वो डायरेक्टली अपन बाद में पढ़ेंगे। देखते क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटर में सबसे बेसिक क्वाड्रिलेटर जो होता है दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम मतलब क्या हो गया, सबको पता है पैरेललोग्राम क्या हो गया, अब इसके बारे में सर ऐसा क्या पढ़ा दोगे आप जो उनको नहीं पता है, नथिंग, मे बी समथिंग बट नथिंग दैट सिग्निफिकेंट। क्या होता है पैरेललोग्राम में, हाँ सारे साइड इक्वल तो नहीं होते, ऑपोजिट साइड इक्वल होते, बस ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते है ना, और एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आगरा बॉम्बे कैलकटा दिल्ली, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे अपन कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स भी लिख दे क्या, नहीं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो मैं बच्चों वाली बातें बता रहा हूं, थोड़ी बड़ों वाली बातें भी बताऊंगा मैं। सर की अंग्रेजी अच्छी है, सर की अंग्रेजी खराब तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिखा मैंने ऑपोजिट एंगल्स आर, यार कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एडजेसेंट एंगल्स लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal, आज राइटिंग तिरछी का है आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाली जो साइड है AB इसको मैं A बोल देता हूँ, ठीक है, और ये वाली साइड को मैं B बोल देता हूँ, ये नेचुरली B हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट इक्वल होता है, और ये भी A हो जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जी हाँ पता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। हर्षदा वो ठीक कर दिया मैंने, थैंक्स एनीवे। तो भाई ये तो पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, इसका क्या इस्तेमाल है? इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल है। आपको अगर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिला के दे दिया कि यार इसके कोऑर्डिनेट जो है 2, 3 है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 5 है ना, और फिर कुछ कुछ पूछ लिया आपसे मैंने कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ सम लाइंस सम एंगल्स वट एवर है ना, आई कैन आस्क मिलियंस ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, और IIT JEE ने बहुत बार पूछा है। तो अपने को पैरेललोग्राम के बारे में ये सब बेसिक बातें पहली बात पता होनी चाहिए। अब थोड़ी सी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होगी, जैसे कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दो तरीके से लिख सकते हो, है ना। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो छोड़ो इसको, एक फिगर और बना लेते हैं, बना लो छोटू सा फिगर बना लो। देखिए भाई इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो इसको अपन हाइट कहते थे बचपन में, अभी भी हाइट कहेंगे, है ना। अच्छा हाइट दो तरीके से बन सकती है। अगर मैं इसको चलो ए बी सी डी सेम नाम देता हूं, ए बी सी एंड डी, राइट, एंड लेट अस कॉल इट एज थीटा। ये वाला एंगल को मैंने थीटा बोल, चलो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं बच्चों वाला बता देता हूँ। ये हाइट को मैंने क्या कह दिया, एच। क्या कह दिया, एच। किसको कह दिया, एच, हाइट को। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल, गलत है ना, नहीं होता ऐसा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, वो रोम्बस में होता है, इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ये बना दिया अपने डायगोनल, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर भी परपेंडिकुलर बनाता हूं तो क्या आप लोगों को इस बात की फील आ रही है? फील इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली हाइट एच है, ये वाली हाइट भी एच होगी। समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा ये वाली साइड भी ए होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, शांति से देखिए एकदम, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ ब्लू वाले का, तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। हाइट कितना, एच, बेस कितना, ए। तो एरिया कितना हो गया, ए इंटू एच का हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। थोड़ा और अंग्रेजी चाहिए क्या, लिखिए दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताइए, ए डी बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल, अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू ये ब्लू वाला ट्राइंगल और ये अनशेडेड ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है इसका एरिया भी एड करेंगे तब जाके पूरा पैरेललोग्राम मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी आप बेस ए मान लो और हाइट क्या मान लो, हाइट को एच मान लो, तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है, ए इनटू एच प्लस हाफ, इधर बेस कितना है, ए इनटू एच। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ एच प्लस हाफ एच, मतलब ए इनटू एच। तो एक और तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, पहले तो आप, मैंने जो लिखा था उसको ही रहने दो, ए इंटू बी से निकालेंगे फिर ए इंटू एच से निकालेंगे। अब एरिया को निकालने के ना कुछ और नए नए तरीके आ गए मार्केट में जो आपको अभी पता नहीं है, बट अभी पता चल जाएगा। पहला तरीका क्या है कि देखिए इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा। क्या आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। क्या आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है। तो आपने कंपोनेंट्स भी पढ़े होंगे। कंपोनेंट्स कैसे पढ़ते हैं, देखिए बड़ा आसान है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला वेक्टर है अपने पास वेक्टर ए एंड दिस एंगल इज कॉस थीटा, तो इस वेक्टर का मॉडुलस चलो ए मान लेते, मॉडुलस समझते हो ना, वेक्टर की लंबाई, तीर का मतलब होता है डायरेक्शन और इसका मतलब होता है वेक्टर की लंबाई। तो मान लो वेक्टर की लंबाई आप ए है मान लो, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर का एक्स वाला कॉम्पोनेंट जो ये वाला कॉम्पोनेंट है ना, वो होगा आपके पास कितना, ए कॉस थीटा, ठीक है ना। कैसे देखते हैं अपन, ये नीचे गिरता है जो वाला एंगल, जो नीचे गिरने वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है और जो ऊपर जाता है वो साइन थीटा होता है। नीचे मतलब लाइन के नीचे,
है ना। तो ये नीचे ए कॉस थीटा है और ऊपर वाला क्या होता है, ए साइन थीटा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना आपको क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन वो फास्ट होना चाहिए, है ना। मेरा यही मानना है कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा कि ये वाली साइड कितनी है, दिस इज बी, दिख रहा है कि आपको, सबको नजर आ रहा है पक्का? अच्छा डू सम चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ ना। ये कुछ मत लिखो आपने, डोंट राइट एनीथिंग। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसमें मैंने एरिया को लिखने का फर्स्ट तरीका बताया ए, सेकंड तरीका बताता हूँ बी, और अब थर्ड तरीका जो होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1, P2, cosec theta, okay? है ना? बी कॉस थीटा इंटू एच, वही लिखने वाला हूं मैं। ये तो मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखवाया आपको, उसके लिए मैं अलग फिगर बनवाऊंगा। यहां पर अपन जो एच निकालने वाले थे ना, ये वाला जो एच निकालने वाले थे, आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ, थोड़ा सा आप 2 मिनट चुक रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एच की हाइट कितनी आ जाएगी, बी का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होगा क्योंकि कॉस थीटा वाला तो ये हो जाएगा, तो ये h क्या होगा, b साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है अपने को, h विल बी b साइन थीटा, ठीक है। तो a इंटू एच की जगह क्या रख दिया अपने, b साइन थीटा, तो आ गया ab साइन थीटा। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, a इंटू h। क्या बोल रहे हो आप लोग यार, प्लीज प्रोवाइड क्या है, किसका कमेंट है ये, प्रणव का। P1 P2 में बताऊंगा ना, आप रुकिए तो इसके लिए नया फिगर बनाएंगे। इसको अभी आप इसको अभी होल्ड पे डालो, मेरी गलती, मैंने इसको थोड़ा जल्दी लिख दिया। अभी ऊपर वाला जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। एच क्या आ गया, बी, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ वैक्टर्स के कॉम्पोनेंट से क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है। तो एच की जगह क्या लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो गया। एक और एरिया लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, पहले यहाँ तक आप लिख लो एक बार क्योंकि मैं नया फिगर बनाऊंगा। वेक्टर्स चैप्टर जो होता है, बिल्कुल होता है यार, है ना, ट्वेल्थ में बिल्कुल आएगा आपको वेक्टर चैप्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अद्वैत पूछ रहा है कि हाइट इसके बराबर,
ओ यार अद्वैत, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली क्या हो गया ना कि मैंने फ्लो फ्लो में वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पे ना, तो मेरे माइंड में तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आप इसको क्या करो, सुनो मेरी बात, ये ए क्रॉस बी वेक्टर होता था, बट आपको उसका टेंशन नहीं लेना है ना, वेक्टर अपने को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वेक्टर अपने को पढ़ना ही नहीं है। तो मैं आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना वो लिख देता हूँ। यहाँ पे ए इंटू बी नहीं होगा, ए इंटू बी साइन थीटा होगा, क्योंकि आपको मैं बता ही देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा। ये वाली जो अपन वेक्टर पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में, तब एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है। तो एक साइड को अपन ए वेक्टर बोलते हैं, एक साइड को अपन बी वेक्टर बोलते हैं। अभी नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो वैसा क्यों लिखा था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। मैं वहां पे वही चीज लिखना चाह रहा था, बट मैंने उसको फ्लो फ्लो में क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया। बट आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, इसको चेंज करके ए बी साइन थीटा लिख लो, वेयर थीटा इज, देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन साइड्स ए एंड बी, ठीक है। अभी फटफड़ाहट दूर हो गई ना, ये जो थीटा है मैंने यहाँ पे लिखा था जिसको, तो अब मैं थोड़ा सा है ना रुक जाओ, इसको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। एक तो ये थीटा एंगल, तो ए इंटू बी इंटू इस थीटा का साइन है ना, ये शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, शायद, मेरे ख्याल से फिजिक्स में नहीं पढ़ाते ये चीज, ठीक है। पहला तरीका एरिया निकालने का क्या है, ए बी साइन थीटा, खत्म। इसका प्रूफ हमको अभी नहीं देखना, आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ, प्रूफ ऐसे आएगा, है ना। दूसरी बात, ए इंटू एच भी कर सकते हैं, जिसको अपन बेस इंटू एच कहते हैं, तो आप इसको अंग्रेजी में लिख लो, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तीसरा तरीका होता है पी वन पी टू कोसेक थीटा। अच्छा ये मैं आपको सिखा देता हूँ, पी वन पी टू क्या है और कोसेक थीटा क्या है ना। तो थर्ड वाला अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तीसरे तरीके से एरिया लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस आगे आपको देखना है, ज्यादा कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी इजी है। ये मान लेते हैं अपन की परपेंडिकुलर वन है, दिस इज परपेंडिकुलर वन। सेकेंड परपेंडिकुलर में ये वाली वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहा हूँ यार, उसको आप, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर कहाँ था वो, ये था ना ए इंटू बी साइन थीटा की जगह, सॉरी ए इंटू बी लिखा होगा अपन ने पहले, ए क्रॉस बी, उसको आप ए बी साइन थीटा लिख दो, है ना। मैंने उसको क्रॉस के फॉर्म में छोड़ दिया था, क्या होता है ना कि सबकॉन्शियस ब्रेन को क्रॉस प्रोडक्ट की आदत है अभी, तो मैंने भी आपको वही बता दिया। हालांकि अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में पढ़ा है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर वन है, परपेंडिकुलर टू है। आप पैरेललोग्राम में दो परपेंडिकुलर, आप शांति से देखिए ना, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये दूसरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और थीटा इज दिस एंगल अगेन, ये क्या है ए बी सी डी। सर ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज क्या है, क्या ये यूज आएगा? जी हाँ बिल्कुल यूज आएगा, है ना। तो उसका यूज क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ, पहले वो आया कैसे वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये वाली साइड ए है ना और ये वाली साइड बी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वन को आप कंपोनेंट से निकालेंगे तो पी वन कितना आ जाएगा, पी वन विल कम आउट टू बी बी साइन थीटा, चेक कर लो, है ना। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो मैं आपके लिए एक बार येलो इंक से करके बता रहा हूँ, ये वाली साइड जो है उसको अपन पी वन कह रहे हैं ना, और ये क्या है बी फॉर बॉम्बे, तो बी फॉर बॉम्बे और ये थीटा है ना, तो कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा, ये नीचे वाला आ जाएगा, कॉस थीटा हमेशा नीचे गिरता है और साइन थीटा हमेशा ऊपर गिरता है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। बेसिकली पी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल है, किसी ने बाय चांस वेक्टर्स नहीं पढ़ा है ना, कुछ बच्चे लेट एडमिशन वाले भी है, तो हो सकता है कि आपने वेक्टर्स ना पढ़ा हो, तो क्या करें, फड़फड़ाने की जगह आप क्या कर सकते हो कि इसको आप थीटा बोल दो। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये वाले ट्रायंगल में आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, दिख रहा है आपको, तो इस ट्रायंगल में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगा, साइन थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बी का वैल्यू आ गया आपके पास, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, साइन थीटा इज साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पी वन अपॉन हाइपोटेनस,
तो P1 कितना आ गया, सही तो है, P1 आ गया B sin थीटा, है ना, वही चीज लिखी है मैंने, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर नंबर टू जो है उसको देखिए आप, ये रहा आपका परपेंडिकुलर टू, है ना। अच्छा, क्या आपके नजर में ये वाला ट्रायंगल जा रहा है? जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इस ट्रायंगल में मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगा के P2 को क्या लिख सकता हूँ? देखिए होगा क्या कि A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर गिरेगा, तो A cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर गिरेगा, तो ये हो जाएगा A sin थीटा, तो P2 आ जाएगा आपके पास A sin थीटा, है ना। फड़फड़ाहट तो यहाँ पे भी हो गई, अगर फड़फड़ाहट को दूर करना है तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये थीटा दिख रहा है आपको, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइड ऑपोजिट मतलब P2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है A, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना, सॉरी A का नहीं, P2 का वैल्यू कितना आ गया, A साइन थीटा, यहाँ पे A साइन थीटा आ गया। ये रफ वर्क है, आप इसको चाहे तो हटा सकते हो। P1 P2 आ गया अपने पास, अच्छा, तो यहां से आपके पास B का वैल्यू आ जाएगा कितना, P1 cosec थीटा, यहां से A का वैल्यू आ जाएगा P1 cosec थीटा, P2 cosec थीटा, दिख रहा है ना, ये sin थीटा को इधर नीचे भेजेंगे तो 1/P2/sin थीटा क्या हो जाएगा, P2 cosec थीटा। अब ये B4 बॉम्बे, A4 आगरा, इस वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए, चलेगा, कर देंगे अपन, है ना। तो एरिया होता क्या था, AB sin थीटा, ठीक है, तो A की जगह क्या रख दिया अपन ने, P2 cosec थीटा, और B की जगह रख दिया अपन ने P1 cosec थीटा, और ये sin थीटा तो पहले से था, sin थीटा और cosec थीटा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को काट दिया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, P1 P2 cosec थीटा। आज से अपने पास एक नया फॉर्मूला और जुड़ गया डिक्शनरी में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है। अच्छा सर, बस यही तीन फॉर्मूले है क्या, और कुछ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, फोर्थ फॉर्मूला है ना, ये लास्ट फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले काम आएंगे। वीडियो बफर नहीं हो रहा है यार, बफर होता तो मुझे फील हो जाता ना, वहां मैं नो लिख देता हूँ आपको स्टाइल मार के। तो अगला फॉर्मूला जो होता है, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, है ना, वो होता है हाफ diagonal 1 into diagonal 2। ये तो रॉम्बस का होता था ना, ये रॉम्बस का होता था, लेकिन यहां पर ये होता है sin φ, ठीक है। फाई क्या है, वेयर फाई is equal to angle between both the diagonals, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए अलग तस्वीर बना सकते हैं, एक और फोटो बना देते हैं अपन। तो ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया पैरेललोग्राम का, ये आपके पास है diagonal 1 D1 एंड दिस इज diagonal 2 D2। D1 एंड D2 के बीच में अपन मान लेते हैं एक एंगल है फाई, उसका साइन लिखना है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह से फड़फड़ाते हैं कि सर ये वाला फाई क्यों नहीं लिया, ले लो यार कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही तो एक्यूट रहेंगे, एक ऑप्टियूज हो भी गया बाई चांस तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्टियूज एंगल का साइन भी तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे अगर ये पूछ लूंगा तुरंत sin 120 का डिग्री, तो आपको कितना टाइम लगेगा आंसर करने में, कितना टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड्स में भी नहीं लगना चाहिए ना, आपको तुरंत बताना है कि ये 120 डिग्री किसके बराबर है, 60 का भाई है ना, और अगर मैं आपको 150 देता हूँ तो 150 किसका भाई है, 30 का भाई है। तो साइन मतलब, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े आप तो टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, लेकिन जिसने पढ़ा है 150 डिग्री किसका भाई है, 30 का, sin 30 हाफ, 150 भी हाफ, 120 किसका भाई है, 60 का, 60 साइन 60 कितना, √3/2, तो ये फटाफट अपने को बताना है। तो एक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्टियूज एंगल भी ले लिया अगर आपने ये वाला बीच वाला, तो भी सेम वैल्यू आएगा ना, आप मान लो ये 30 है,
तो नेचुरली ये 150 हो गया, तो दोनों का साइन बराबर है ना, तो कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, फटफड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये चार फॉर्मूले हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, इसको आप लिख डालो प्लीज। कुछ भी ले लो आप, है ना, 120 ले लो, 150 ले लो, व्हाटएवर, आप 5 ले लो या फिर वो 180 माइनस 5 ले लो, साइन को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। चलिए नहीं नहीं ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस पैरेललोग्राम में ही ज्यादा है। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ खूबसूरत पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इतना खूबसूरत पैरेललोग्राम है ना ये, कि उसकी चारों साइड्स बराबर है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड बराबर होती है, लेकिन रोम्बस में ना चारों साइड्स बराबर हो जाती है। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे चारों साइड्स बराबर कह रहा है, एक दो तीन चार, समझ में आया क्या? तो ये है, ये एक पैरेललोग्राम ही है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसकी खास बात क्या होती है? पहले तो अपन लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आज के बाद कभी भी आपको रोम्बस सुनाई देता है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अरे पैरेललोग्राम है, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लग जाएगी इसमें, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो बेसिकली आपके डायगनल्स जो रहेंगे, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। चिल मारो आप, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, बिना पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, आप लोगों ने पूरी फीस दी है तो आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, है ना, आप टेंशन मत लो। लेकिन क्या है ना कि अगर मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो बाकी सारे बच्चों को मेरे को बैठाना पड़ेगा, और ये पर्टिकुलर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का इतना एप्लीकेशन नहीं है। छोटा छोटा एप्लीकेशन है वो, तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही रेयरली है ना, 1-2% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वजह से दिक्कत जाएगी, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ना सैटरडे संडे की क्लासेस में। ओके, तो डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप एरिया बता सकते हो क्या? सबसे पहले अपन ने एरिया क्या बताया था? ए, यहां पे लिखिए आप एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का नाम दे देते हैं आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? हाफ। पैरेललोग्राम, अरे ये पैरेललोग्राम ही तो है, लेकिन इसके डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो 90 डिग्री पर काटेंगे अगर, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। ये लेंथ D1 मान लो, है ना, और ये लेंथ को आप D2 मान लो। तो एरिया क्या होता था पैरेललोग्राम का? हाफ D1 D2 साइन फाई, यहाँ पे फाई 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, साइन फाई 90 डिग्री, साइन फाई मतलब साइन 90 डिग्री। अब ये साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो 10वीं कक्षा में भी अपन ने पढ़ा है। तो हाफ D1 D2 इंटू 1, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाता है? D1 D2 बाई 2, दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट का हाफ, ठीक है, लिख दो इसको। बेस इंटू हाइट, ए बी साइन थीटा से भी आप कर सकते हैं ना, जैसे अपन ने पीछे लिखा था, विवेक तुमने जो लिखा है ना छुट्टियों में, उसमें 2 बार टी लगा दिया करो, क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ा, ठीक है। चलिए छुट्टियों में यार, छुट्टियों में एंजॉय करो, मन हुआ तो ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फ्री ही रहूंगा छुट्टियों में,
अच्छा आपने दो बार एच लगाया, सॉरी माय बैड है ना, दिमाग दिमाग की बातें भैया ना, आपका दिमाग क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। तो देखिए हाफ डी वन डी टू साइन 90 हो गया खत्म। और तरीका क्या है सर, आप तो ये भी सिखाए थे ना अभी कि ए बी साइन थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, तो क्या करें इसमें बताइए, लिख दो भाई वो वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं एंड यूज ऑल दी अदर्स, बाकी सारे पैरेललोग्राम का यूज ऑल द फॉर्मूलेस। अरे पैरेललोग्राम ही तो है यार, तुम लोग भी ना पूरा थोड़ी लिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब वो वाला भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि अगर आपको मैंने एक चीज सिखा दी थी P1 P2 दोनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वन परपेंडिकुलर टू दोनों का कोसेक थीटा, वो भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर आपको मैंने ए बी साइन थीटा सिखाया था, तो ए बी साइन थीटा भी कर सकते हो, हालांकि इसमें क्या होगा कि ए और बी का लेंथ जो है वो बराबर आ जाएगा, हाँ भाई आगे बढ़ाओ, रेक्टेंगल सब बच्चों वाली बातें हैं, रेक्टेंगल अभी रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल किसको नहीं पता क्या होता है, रेक्टेंगल ये होता है ठीक है, कुछ लिखवाना जरूरी है इसमें, हाँ लिख देते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम का स्पेशल केस में केस है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, देखिए अब पैरेललोग्राम पॉइंट वाइज मत लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख दो, विच हैज ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है, यार ये इसमें आपको मैंने क्या लिखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको बात समझ में आती है, डायगोनल बाइसेक्ट मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया था, समझा देता हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये डायगोनल, पहले डायगोनल ने दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट किया और दूसरे डायगोनल ने पहले डायगोनल को बाइसेक्ट किया, तो तूने मुझे काटा मैंने तुझे काटा और दोनों को बराबर काटा इक्वल पार्ट में, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये एक बच्चे कॉमन एरर करते, डायगनल्स आर नॉट इक्वल इन अ रॉम्बस ओके। अच्छा बताइए भाई रेक्टेंगल में डायगनल बराबर होगा क्या, बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि ये डायगनल बने है ना, इसको आप ए मान लो इसको बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से, और ये भी ए है ये भी बी है, तो ये भी अगेन सॉरी ये वाला डायगनल भी क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट आपको मन में फील करना है कि हाँ यार डायगनल्स इक्वल होते रेक्टेंगल में ठीक है। तो चलो पॉइंट वाइज ही लिख देता हूँ, फटाफट खत्म करते हैं इसको, डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अभी मैंने आपको कैसे कहा था पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है ए क्रॉस बी सॉरी ए बी साइन थीटा है ना, तो ए बी साइन थीटा होता था, ये भी तो पैरेललोग्राम ही है, इसमें एंगल क्या हो गया दो साइड्स के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ए बी साइन 90 हो जाएगा मतलब ए इंटू बी, तभी तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, जो भी एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ये होता है ए इंटू क्रॉस मतलब है ना ए इंटू बी सिंपल ओके okay, ये अपने को बचपन से ही पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य नायर ने कुछ रिकॉर्ड करके भेजा है, यार आपका लेक्चर दिखाई नहीं दे रहा वरना क्या है ना मैं सुन लेता आपकी रिकॉर्डिंग, देखिए ना आप सब टेंथ टेंथ दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा, आगे बढ़े अपन स्क्वायर पे आ जाते हैं, स्क्वायर अरे नहीं यार वो नहीं कर सकता मैं विवेक कि पढ़ा के 10 मिनट में खत्म कर दूं, नहीं वो काम नहीं है अपना,
फील आनी चाहिए हर चीज़ की। और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा तो क्या गारंटी है कि पढ़ लोगे आप? कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। तो 2 मिनट ही लगेगा मेरे को, खत्म हो गया ना, लास्ट स्क्वायर, फिर एक काइट पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, खत्म। ये सब आना चाहिए ना आपको, क्योंकि इनमें बहुत क्वेश्चन आईआईटी ने इतने क्वेश्चन दिए ना कि स्क्वायर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुसा दिया। अब पता ही नहीं है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, पता ही नहीं है कि रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, ऐप अपडेट कर दे क्या? चलो भाई अपडेट कर देते हैं आपको। हाँ, तो स्क्वायर के बारे में कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन डायरेक्टली इतना ही लिख देते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, या फिर एरिया हो जाएगा हाफ डी वन डी टू। सॉरी, डी वन डी टू, इसमें डायगनल्स बराबर होते हैं। तो एरिया के पहले मैं डायगनल्स लिख देता हूँ, डायगनल्स आर इक्वल थर्ड, एरिया हो जाएगा हाफ डी वन डी टू, मतलब डी स्क्वायर, सिंपली दोनों का लेंथ डी होगा। या फिर एरिया को आप ऐसे ही बोल सकते हो, साइड इंटू साइड, दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपडेट तो कर दिया है, आगे बढ़ेंगे अपन। ट्रेपेजियम, ये तो क्रैश हो गया भाई यार, बोल रहा है कि इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, बुरा मत मानो, यू कैन वेट। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल with one pair of parallel sides and non-parallel sides। चलिए भाई, ये तो यार काफी अद्भुत दिख रहा है अपना ऐप तो। हाँ भाई, कौन रिकॉर्ड करके भेज रहा था? क्रैश हो रहा है लेकिन ऐप है ना, मेरे इसमें तो अटक रहा है, बट ठीक है, विल वेट। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है, इफ द टू non-parallel sides are equal in length, trapezium is called isosceles। ठीक है, एक लेक्चर आप झेल लो, इसमें अंग्रेजी काफी लिखनी है अपने को, फिर उसके बाद अपन अंग्रेजी कम लिखेंगे, है ना। अच्छा, अपन इसको legs of trapezium भी कहते हैं। जैसे अगर अपने पास कोई ट्रेपेजियम है इस तरह से, ये दो साइड्स पैरेलल है और दो साइड्स नॉन पैरेलल है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, इसको अपन लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम कहते हैं। लेग्स, लेग्स, वैसे लेग लिखना चाहिए मुझे सिंगुलर, क्योंकि वो एक एक को अपन सिग्निफाई कर रहे हैं।
और ये दोनों साइड जो होती है ये पैरेलल होती है, ये लेग्स आर नॉट पैरेलल, एंड इफ लेग्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर ये दोनों लेग्स लेंथ में इक्वल होते हैं तो अपन ट्रेपेजियम को आइसोसेलिस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता था, मैं एक बात बताऊं आपको, ट्रेपेजियम ट्रायंगल से ही बन के आया है। ये एक ट्रायंगल था ट्रेपेजियम ना, बचपन में एक ट्रायंगल था जिसको अपन ने ऐसे काट दिया था। तो अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलिस होता, अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलिस होता तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते या नहीं होते, बिल्कुल होते सर, है ना। तो काट देने के बाद भी तो एंगल इक्वल ही रहेंगे। तो आइसोसेलिस ट्रेपेजियम में आप क्या बोल सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया हम सबको पता है तो ऐसा कोई बहुत मिस्ट्री वाली बात नहीं है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू एच, ठीक है। एक मिनट रुकिए, आप जरा मैं ऐप को यूज करके देखूं। नहीं चल रहा है तो ये तो भाई हैंग हो गया। इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और ये हो जाएगी हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ओके, तो यहाँ पे अपन सब कुछ तो लिख चुके हैं, ये हाइट हो गया। ओके, अब लास्ट जो होता है दैट इज काइट। काइट मतलब क्या होता है, पतंग। पतंग आप सबको पता है ना क्या है, पतंग में क्या होता है, ऊपर की दो साइड्स जो एडजेसेंट है दे आर पैरेलल, और नीचे की दो साइड्स, अरे यार क्या बोल दिया मैंने, नॉट पैरेलल, दे आर इक्वल इन लेंथ, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और नीचे की दो साइड्स जो है ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आपका डायगनल वन, और दिस इज डायगनल नंबर टू। ठीक है, अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये डायगनल्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, है ना, बट दे वोंट बी बाइसेक्टिंग ईच अदर, क्योंकि हमको, हम आँख के अंधे नहीं ना, हम अंधे होते तो हमको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला डायगनल जो है वो, इसका ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा वाला डायगनल है ना, दैट हैज बीन बाइसेक्टेड, इसको तो अपन बाइसेक्टेड मानेंगे, तो ये और ये बाइसेक्ट हुआ है, इसका नामकरण संस्कार कर देते ए बी सी डी, ठीक है, और इसको अपन O फॉर ऑरेंज कह देते, तो ये बी ओ इज इक्वल टू सी ओ हो जाएगा, है ना। तो काइट के बारे में ज़्यादा अंग्रेजी लिखने लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ कुछ ऐसा लिख देता लिखवा देता हूँ कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। जैसे यहाँ पे अगर अपन चाहे तो लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये भी लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। सेकेंड चीज जो होगी कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। आपकी अगली क्लास कौन सी, और कोई एक डायगनल को अपन, ये वाले डायगनल को अगर मैं लेता हूँ ना, इस डायगनल के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सिमेट्रिक फिगर आएगा, है ना। इफ आई टेक द डायगनल ए डी, तो ए डी के एल एच एस में और ए डी के आर एच एस में जो फिगर बन रहा है वो ये बन रहा है ना, ये वाला फिगर, ओके। तो काइट इज सिमेट्रिक, About one of the diagonals,
सागर तुम लड़के हो कि लड़की हो? गजब, एकदम चहकती हुई आवाज आ रही है तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, साइक्लिक मतलब आपके नाम से आपका ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा है ना, डोंट माइंड। इतना मजाक तो हम उड़ा सकते एक दूसरे का, आप मत उड़ाना मेरा, है ना, मैं बहुत मारूंगा। क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपने को पता ही, क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर जो कैद क्वाड्रिलेटरल होता है उसको अपन साइक्लिक कहते हैं। सारी वर्टाइसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच कर रही होती है, ओके। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास बात होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। तो ये तो अपने को पता ही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसमें बस एक ही पॉइंट लिखवाता हूँ मैं, बाकी बकवास नहीं लिखते अपन। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, इसका फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग यही आएगी और क्या। ये आपके पास सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं उतना सुंदर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट हो गया, तो ये 180 हो जाएगा इनका सम। खैर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ना डायरेक्ट मुद्दे की बात पिलाता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन जोक्स अपार्ट, ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना, क्योंकि आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है, तो यू कैन एक्चुअली सेव योर टाइम इन टाइपिंग। आप टाइप ना करें और बेहतर रहेगा कि आप उसको रिकॉर्ड करके भेजें। विवेक यार, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे याद है, क्या बात है, सब बारी बारी से हेलो भेजोगे? पुराने पुराने वाले वॉइस नोट मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, नीचे कर रहे हैं स्क्रोल तो वो ऐप हैंग हो जा रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन तो भाई एक इंसान थे, उन्होंने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर दिया कि भाई किसी भी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है, किसी भी पॉइंट को अगर आपको क्या करना है, लोकेट करना है, तो उस पॉइंट का अपन एड्रेस बना देंगे। तो उस एड्रेस को बनाने के लिए अपन ने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला, जिसको अपन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं, है ना। टू डायमेंशनल मतलब आपको सब कुछ टू डी में दिखेगा, जैसे आपका एक्स, इसको अपन एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे। तो आपने प्लेन को टू डायमेंशनल प्लेन बना दिया है, और आपने प्लेन को एक्चुअल में चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3, 4। आपका जो पेपर है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स कहेंगे जब बड़े हो जाएंगे, लेकिन अपन अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ट्रेपेजियम खूबसूरत नहीं लगता है, कोई बात नहीं यार, है ना। चलिए तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, अब इसमें एड्रेस कैसे बता सकते हैं पॉइंट्स का? एड्रेस मान लीजिए कि ये पॉइंट है अपने पास, है ना, इस पॉइंट का नाम है पी फोर पकोड़ा, और इस पॉइंट का आपको अगर एड्रेस बताना है तो आप ये बताएंगे कि इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, और एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मान लो, है ना, मान लो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y है। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन 10वीं कक्षा में लिखना सीख गए थे, कैसे लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो होगा उसको अपन x कोऑर्डिनेट कह देंगे, और ये वाला सिस्टम जो जो डिस्टेंस होगा उसको अपन y कोऑर्डिनेट कह देंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट को अपन x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, उल्टा होता है, x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसी बात को अपन, है ना, अंग्रेजी में लिख देते, लिखिए एवरी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड
every point can be represented uniquely by the ordered pair x, y, where x represents distance from y-axis and bhari varsha, represents distance from y-axis and y represents distance from x-axis. Okay. अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ना, और वो वाई एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे एक्स एंड वाई आर एनी टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस को भी मैं है ना ई एस लिख रहा हूं, ये प्लूरल होता है, दो एक्सिस मतलब एक्सिस, एक एक्सिस मतलब एक्सिस है ना आई एस वाला, आर एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, बस ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिख रहे अपन, लेकिन काम की चीजें लिखनी पड़ेगी ना, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसलिए अपन इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। लिखिए देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो सर क्या रेक्टेंगुलर के अलावा दूसरे भी होते हैं, मतलब जिसमें वाई एक्सिस ऐसी और एक्स एक्सिस ऐसी उठपटांग तरीके से बीच में कुछ फाई एंगल बन रहा, हाँ होते, इसको अपन क्या कहते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। ऐप का एक ही रूल है कि बस स्क्रॉल डाउन नहीं करना है अपने को, तो आपके रेगुलर कमेंट्स में को है ना लाइव देखने पड़ेंगे उसी समय। ठीक है, अच्छा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूँ, दो सेकंड लगेगा बस। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सिस इस तरह से होती है और एक एक्सिस थोड़ा उसमें इंक्लाइंड होती है, नॉट विद एन एंगल ऑफ थीटा मतलब 90, इसको अपन फाई मान लेते हैं ना, फाई इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल इज दैट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको समझ में कुछ आएगा ना। अच्छा, तो यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल अपन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे, जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है, लेकिन टेंथ में आपने एक्सटर्नल नहीं पढ़ा था, तो अपनी लाइफ में एक नई चीज़ आएगी एक्सटर्नल डिवीजन, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद कि इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के बाद फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई बात नहीं, कल आपकी सुबह ही पढ़ाई होगी। आज इशू आ रहा था सर्वर का, वो मेरी क्लास पहली क्लास थी ना, तो मेरी क्लास में वो डिटेक्ट हुआ, वरना पहले डिटेक्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, अपन सुबह पढ़ेंगे कल। तो कल आपका वन आवर का लेक्चर रहेगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहता है 1:15 से, अब नया टाइम टेबल आ गया है ना, तो कल का लेक्चर अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको पूरी ट्रिक्स बताऊँगा कि आपके पास चार पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल में, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरगम सेंटर, चारों पॉइंट्स को कहते क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसका PDF मैं आपको पहले से दे दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो पहले से नोट्स लिख के रख देना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। इमोजीज अलाउड करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ इस बात को। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, है ना, ख्याल रखिए अपना। सर अरे ब्रो, मैं कभी सीरियस नहीं।
हाँ जाओ, विदाई लो, बाहर जाओ, बाय।